हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं योर ड्रीम इज डिलीशियस मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट टू है। रात को कुई हवा में उड़ते हुए लीन के अपार्टमेंट की तरफ जाता है ताकि वो उसका ड्रीम कंज्यूम कर सके। जब वो बिल्डिंग के पास पहुंचता है, सडनली वो हवा में उड़ नहीं पाता है। साथ ही उसे फील होता है कि वो अपना मैजिक पावर यूज नहीं कर पा रहा है। वो बिल्डिंग से कुछ दूर जाता है, कुछ दूर में वो फिर से हवा में उड़ पाता है, साथ ही वो मैजिक भी यूज कर पाता है। इस पिक्चर में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि उस बिल्डिंग के चारों तरफ कुछ तो है जो कुई को पास आने नहीं दे रहा है। उसे गुस्सा लगता है क्योंकि इस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से वो लीन का ड्रीम को कंज्यूम नहीं कर पाता है। नेक्स्ट डे कॉलेज में उसका मूड ऑफ रहता है। उसका दोस्त पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम सैड क्यों दिख रहे हो? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम किसी को खा जाने वाले हो। कुई पूछता है, क्या सच में? तभी दोनों लीन को देखते हैं। लीन को देख के कुई उसे हाय बोलता है। लीन इलेक्टिव क्लास के लिए जा रहा है। उसे देख के कुई मन में सोचता है, उसे नाइटमेयर आने का चांसेस 100% है, और वो ऐसे बिल्डिंग में रह रहा है जहाँ पे ड्रीम ड्यूमन एंटर नहीं कर सकते। उनका अभी मेराइन सिविलाइजेशन का इलेक्टिव क्लास है। कुई बोलता है, मैंने भी सेम इलेक्टिव चूज किया है, पर मुझे टाइमिंग नहीं पता है। कुई उसके साथ क्लासरूम में जाके बैठ जाता है। लीन मन ही मन खुश होता है क्योंकि उसने सेम सब्जेक्ट चूज किया है कुई के साथ। पर सच बात तो ये है कि कुई ने सेम सब्जेक्ट चूज नहीं किया है, वो बस उसके साथ और भी ज्यादा क्लोज होना चाह रहा था ताकि वो उसका ड्रीम को कंज्यूम कर सके। वो लीन को देख के पता करता है कि उसे आज सपना आने का चांसेस 100% है और उसे नाइटमेयर आने का चांस भी 100% है। वो मन में सोचता है, 1 month में हर दिन सपना देखना नॉर्मल है, पर हर दिन नाइटमेयर देखना ये चीज रियली पॉसिबल है। इसीलिए लीन उसके लिए एक रेयर ह्यूमन बीइंग है जो हर दिन नाइटमेयर देखता है। कोई बिल्डिंग में घुस के उसका ड्रीम कंज्यूम नहीं कर सकता, पर वो क्लासरूम में उसका ड्रीम कंज्यूम कर सकता है। इसीलिए वो उसके साथ क्लासरूम में साथ में बैठ गया है। कुई अपना मैजिक क्लासरूम में यूज करता है ताकि लीन सो जाए। उसका मैजिक दूसरों पे असर करता है, पर लीन के ऊपर उसका मैजिक काम नहीं करते हैं। लीन को दिखाई देता है उसके चारों तरफ स्मोक जैसी चीज फैल रहे हैं। वो ये बात कुई को भी बताता है। असल में वो स्मोक जैसी चीज कुई का मैजिक से फैल रहा है। लीन जब बोलता है उसे स्मोक जैसी चीज दिखाई दे रहे हैं, कुई बोलता है, तुम किस स्मोक का बात कर रहे हो? लीन बोलता है, वो स्मोक्स तुम्हारे चारों तरफ जमा हो रहे हैं। ये सुन के कुई शोक में पड़ जाता है क्योंकि लीन उसका मैजिक को देख पा रहा था। उसे समझ नहीं आता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ऑर्डिनरी लोग उसका ड्रीम मैजिक को नहीं देख सकते। कुई अपना मैजिक बंद कर देता है और लीन को बोलता है, मुझे तो कोई स्मोक दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है तुम्हें धोखा हुआ है। लीन चारों तरफ देखता है, सडनली वो स्मोक डिसअपीयर हो गए हैं। कुई मन में सोचता है, मैंने सुना है कि कुछ लोग ड्रीम मैजिक को हल्का हल्का देख सकते हैं, लगता है लीन उन लोगों में से है।
उसके मैजिक से लीन को बिल्कुल भी नींद नहीं लगता है, बल्कि वो फोकस देके लेक्चर सुन रहा है। लीन के बिल्डिंग में कोई जा नहीं सकता, उसके मैजिक लीन पे काम भी नहीं कर रहे हैं। वो स्माइल करते हुए सोचता है, लीन एक्सट्रीमली फैसिनेटिंग है, एक दिन वो जरूर उसे हासिल करके रहेगा। इसके बाद हमें लीन का बचपन के बारे में दिखाया जाता है। जब वो 5 साल का था, उसका एक विश था। उसका विश ये था कि उसके भी बहुत सारे फ्रेंड्स बने। क्लास खत्म होने के बाद लीन और कुई साथ में क्लासरूम से बाहर निकलते हैं। तभी एक फ्रेंड कुई को पूछता है, क्या तुमने ग्रुप चैट देखा? हम लोगों का आज क्लास गैदरिंग है। कुई बोलता है, मैंने चैट नहीं देखा, वैसे भी हम कहाँ पे जाने वाले हैं? वो लोग बोलते हैं, एक कैरियोकर बार में जा रहे हैं। उसके दोस्त को देख के लीन को थोड़ा एनवियस फील होता है। कुई लीन को पूछता है, क्या तुम भी हम लोगों के साथ चलोगे? कुई के दोस्त भी उसे बोलते हैं साथ में चलने के लिए। ये सुन के लीन थोड़ा स्टंड हो जाता है, फिर वो एक्साइटेड होके बोलता है, मैं जाऊंगा। उसका एक्साइटेड फेस देख के वो लोग थोड़ा डर जाते हैं। उसका एक्सप्रेशन देख के कुई मन में सोचता है, क्या उसे इस टाइप का इवेंट पसंद नहीं है? वो ये भी सोचता है कि आज का गैदरिंग उसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उसका ड्रीम कंज्यूम करने के लिए। रेडियो के नाइट में कुई गाना गाता है। उसे गाना गाते हुए देख लड़कियां बोलती है, वो सच में अमेजिंग है। गाना गा के कुई लीन के पास जाता है और उसे पूछता है, क्या तुम गाना नहीं गाओगे? लीन बोलता है, मुझे गाना गाना नहीं आता है। तभी सू आके बोलती है, न्यू स्टूडेंट बस तुमसे बातचीत कर रहा है, मैं भी उससे बातचीत करना चाहती हूँ। कुई लीन को पूछता है, क्या तुम्हें इस टाइप का इवेंट्स पसंद नहीं है? तुमने मेरे अलावा और किसी से बातचीत नहीं किया है। लीन बोलता है, मैं इन सब चीजों को डिसलाइक नहीं करता हूँ। सू लीन को बोलती है वीचैट एक्सचेंज करने के लिए। तभी कुई का और एक दोस्त वीचैट में ऐड होने के लिए बोलता है। लीन सर हिला के हाँ बोलता है। लीन उन दोनों को वीचैट में ऐड करता है। वो ऐड करके खुश हो जाता है। सेलिब्रेट करने के लिए लीन उसे अल्कोहल पीने के लिए देता है। ये फर्स्ट टाइम है लीन ड्रिंक करने वाला है। वो सबके साथ अल्कोहल पीता है। उसे फील होता है कि उसका एक विश पूरा हो गया है। ये सोच के वो रोने लगता है। सब लोग शोक में पड़ जाते हैं, वो आखिर क्यों रो रहा है? कुई उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों रो रहे हो? लीन बोलता है, मुझे भी नहीं पता। वो अपना आंसू रोक ही नहीं पा रहा है। वो कुई का बाहों में कंटिन्यू रोने लगता है। उनके क्लासमेट को लगता है लीन ड्रंक हो गया है। कुई ने उसे जानबूझ के अल्कोहल पीने के लिए दिया था ताकि वो ड्रंक हो जाए और प्लान के अकॉर्डिंग वो किसी और का घर पे रात गुजारे। पर प्रॉब्लम ये है कि लीन ने कभी ड्रिंक नहीं किया है, इसीलिए कुई को पता नहीं है कि वो कितना अल्कोहल टॉलरेट कर पाएगा। पर लीन जैसे ही 1-2 घूंट पीता है, वो तुरंत ड्रंक हो जाता है। कुई को लगा नहीं था कि वो इतना जल्दी ड्रंक हो जाएगा।
कोई उसे घर छोड़ने जाता है, पर उसके साथ उसका दोस्त भी जाता है। उसका दोस्त बोलता है, लिन ने बस कुछ ही घूंट पिया था अल्कोहल, वो इतना जल्दी ड्रंक हो गया। मैं फर्स्ट टाइम किसी पर्सन को देख रहा हूँ जिसका अल्कोहल टॉलरेंस इतना कम है। कोई उसका दोस्त को बोलता है, मैं इसे घर तक छोड़ सकता हूँ, तुम्हें आने का जरूरत नहीं है। उसका दोस्त बोलता है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम वीक पर्सन हो, क्या होगा अगर तुम बेहोश हो जाओगे तो। ये सुनके कुई को गुस्सा आता है। वो लोग लीन के बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। बिल्डिंग के करीब आते ही कुई को फील होता है कि वो अपना मैजिक पावर यूज नहीं कर पा रहा है। कुई का प्लानिंग था कि वो लीन को कहीं और लेके जाता, पर उसका दोस्त की वजह से अब उसे लीन को घर तक छोड़ना पड़ रहा है। लीन को थोड़ा होश आता है। कुई लीन को पूछता है, तुम्हारा घर का नंबर क्या है? लीन बोलता है 303 और रोने लगता है और रोते हुए बोलता है, मम्मी प्लीज मुझे स्कूल जाने दीजिए। कुई बोलता है, मैं तुम्हारा मम्मी नहीं हूँ। ये सुनके कुई का दोस्त हंसने लगता है। कुई उसका घर में घुसता है और लीन को बेड पे सुला देता है। देखा जाए तो वो बिल्डिंग उसका मैजिक पावर को खत्म कर देते हैं, पर बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने से उसे कोई परेशानी नहीं होता है। कुई को उसका रूम में एक टैलिस्मैन टांगा हुआ दिखता है। टैलिस्मैन एक मैजिकल ऑब्जेक्ट है जो डीमंस को दूर रखता है। कुई उसे टच करने का ट्राई करता है, पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है। उसे लगता है इस चीज की वजह से वो अपना पावर यूज नहीं कर पा रहा है। वो उसका दोस्त को बोलता है इस पेपर को निकालने के लिए। उसका दोस्त को भी इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है। इससे कुई को लगता है बस स्पेसिफिक लोग ही इस टैलिस्मैन को टच कर सकते हैं। तभी उसका दोस्त का पेट में दर्द होने लगता है, इसीलिए वो तुरंत बाथरूम जाता है। कुई लीन को देखता है। लीन सोते हुए कुछ बोल रहा था। कुई मन में सोचता है, आखिर वो क्या सपना देख रहा है। वो उसे टच करके मैजिक यूज करने का ट्राई करता है, पर वो यूज नहीं कर पाता है। उसे देख के कुई सोचता है, मेरे सामने खाना है पर मैं खा नहीं सकता, ये कितना बुरी बात है। तभी अनकॉन्शियस हालत में लीन अपना आंखें खोलता है और उसका फिंगर को लिक करने लगता है। लीन का फेस रेड हो गया है अल्कोहल पी के। उसका ऐसे बिहेवियर देख के कुई को भी थोड़ा अजीब लगता है। तभी उसका दोस्त बाथरूम से बाहर निकलता है। वो तुरंत अपने हाथों को विड्रॉ कर लेता है। वो मन में सोचता है, आखिर वो कर क्या रहा था अभी। कुई लीन को ब्लैंकेट से कवर कर देता है, फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लीन जब सुबह उठता है, उसे कल रात की सारी बातें याद थी। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।